नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज थिंक में। मैं हूं रंजीता पठारे। तो हमारे देश में अब प्लाज्मा की भी कालाबाजारी होने लगी है। जी हाँ, कोरोना महामारी के इस दौर में भी ऐसी ऐसी चीजें सुनने को मिल रही है। देश में जैसे जैसे कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे ब्लड प्लाज्मा की ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो चुकी है। और ये केवल शुरू ही नहीं हुई है, इसका बड़े तौर पर काला बाजार शुरू हो गया है। जम गया है ये बाजार और लाखों करोड़ों की कमाई कर रहा है। पहले महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस बारे में पर्दाफाश किया था। अब दिल्ली में भी ऐसा ही हो रहा है। दिल्ली में पहले भी ऐसे मामले निकले थे, लेकिन अब फिर से इस मामले ने फिर से तूल पकड़ लिया है। प्लाज्मा थेरेपी चमत्कारी दवाई नहीं है कोरोना के लिए, लेकिन COVID-19 मरीजों के इलाज के लिए पूरी दुनिया में इसकी मांग बढ़ी है। इसलिए क्योंकि इससे लोग ठीक हो रहे हैं। इस थेरेपी में कोविड मरीजों को रिकवर्ड मरीजों के एंटीबॉडी की प्रचुरता वाले खून से ट्रीट किया जाता है, जिससे अच्छे नतीजे सामने आ रहे हैं। इसलिए इसकी डिमांड भी बढ़ रही है। अब कोरोना के संकट काल में जीवन रक्षक बने प्लाज्मा की कालाबाजारी बढ़ती जा रही है। ऐसा इसीलिए क्योंकि बीमारी के खौफ और अपनों को बचाने के लिए लोग हताशा में ऐसी कोई भी चीज खरीदने के लिए तैयार है जिससे जीवन बचाने की जरा सी भी उम्मीद हो। इसलिए लोग इसका मनमाना दाम वसूलने लगे हैं, लोगों को ठगने भी लगे हैं। कुछ समय पहले महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भी प्लाज्मा की कालाबाजारी पर बड़ा खुलासा किया था। उन्होंने कहा था कि डार्क नेट पर 10 लाख रुपए प्रति लीटर प्लाज्मा बिक रहा है। मुंबई और आसपास के इलाकों में प्लाज्मा रैकेट काम कर रहा है, बड़े तौर पर, व्यापक तौर पर कर रहा है यह काम। यह रैकेट लोगों को डार्क नेट पर अपने आप को कोरोना वायरस संक्रमित मरीज बताता है और प्लाज्मा देने के लिए जरूरतमंदों से बड़ी रकम वसूलता है। राज्य सरकार ने मुंबई पुलिस और साइबर सेल को जांच के आदेश भी दे दिए। अब दिल्ली में प्लाज्मा थेरेपी के नाम पर जो धोखाधड़ी हुई थी, पहले जो धोखाधड़ी हुई थी, उसके बाद महाराष्ट्र सरकार सतर्क हो गई थी। इसके बाद सरकार ने लोगों से अपील की थी कि ऐसे में कोरोना मरीजों को सिर्फ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों में, जहां पर प्लाज्मा थेरेपी की सुविधा उपलब्ध हो, वहीं पर इलाज करवाना चाहिए। गैर मान्यता प्राप्त अस्पतालों में प्लाज्मा थेरेपी के लिए कोरोना के मरीज बिल्कुल ना जाए, ऐसा साफ साफ महाराष्ट्र सरकार ने कह दिया था। अब जानते हैं कि ये प्लाज्मा है क्या, इसका आविष्कार कैसे हुआ था, ये कब सामने आया था। प्लाज्मा थेरेपी का आविष्कार 1890 के दशक में डिप्थीरिया को ठीक करने के लिए किया जा रहा था। 1918 की स्पेनिश फ्लू महामारी के दौरान प्लाज्मा थेरेपी ने मृत्यु दर को कम करने में काफी मदद की थी। दुनिया भर के डॉक्टर अब मध्यम रूप से बीमारी कोविड मरीजों का इलाज करने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। सोचिए ये कैसा दौर है। अभी इस दौर में लोग सोच रहे हैं कि हम किसी की सहायता कैसे कर सकते हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जो गरीबों की मदद कर रहे हैं, खाना पहुंचा रहे हैं, मास्क पहुंचा रहे हैं, कई सारी चीजें पहुंचा रहे हैं। लेकिन इस समय भी जब इंसान मौत के मुंह में खड़ा है, मौत के मुंह के जिस सामने खड़ा है, दरवाजे पर खड़ा है, उस समय भी उसे अपना लाभ दिख रहा है, काला बाजारी का धंधा दिख रहा है। सोचिए इस समय जब लोग परेशान हैं, लोगों को बचाने के लिए जुटे हुए हैं, जिन्हें कोरोना है वो सोच रहे हैं कि कैसे ठीक हो, जिनके परिजनों को कोरोना है वे सोच रहे हैं कि आखिर कैसे इन्हें ठीक किया जा सके, और ऐसे समय में लोगों के इमोशन से खेलते हुए कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मनमानी वसूलते रकम, और रकम तो वसूलते ही है, लेकिन कई लोग ऐसा भी कर रहे हैं कि प्लाज्मा के नाम पर झूठ परोस रहे हैं। कह रहे हैं कि हमें कोरोना था और हम हमारा ब्लड प्लाज्मा डोनेट करना चाहते हैं, मनमानी रकम वसूलते हैं, लेकिन असलियत कुछ और ही होती है। ये सिंपल प्लाज्मा होता है, कोरोना के मरीज नहीं होते हैं वो। तो ऐसे लोगों से बचने के लिए सबसे सही उपाय जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने बताया कि अस्पताल, सरकारी अस्पताल जिसे भी मान्यता मिली है सरकार के द्वारा और वहाँ प्लाज्मा थेरेपी से इलाज किया जा रहा है, या फिर प्लाज्मा जो जिन्हें कोविड हुआ है उनका प्लाज्मा अगर वहाँ से डोनेट किया जा रहा है या बेचा जा रहा है, तो आप अपना इलाज वहीं करवाएं। क्योंकि इस समय में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस कोविड के दौर से गुजर चुके हैं, वे बहुत कम ही होंगे ऐसे जो
पैसे वसूलते होंगे इसके लिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं ताकि उनके जैसे अन्य लोग भी जल्द से जल्द ठीक हो सके। अब जो ये इंटरनेट पर, डार्क नेट पर जो कालाबाजारी चल रही है, ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस चला रहे हैं। जरूरी नहीं है कि इन लोगों के पास ऐसे मरीजों का सैंपल हो जिन्हें कोरोना था। इसीलिए कोई भी अगर कोरोना से रिलेटेड कोई भी कदम उठाए, कहीं से भी इलाज की कुछ भी चीजें देखे, तो सबसे पहले भारत सरकार के आरोग्य सेतु ऐप पर देखे, क्योंकि उसमें बहुत सारी जानकारी दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की साइट पर देखें, अपने राज्य सरकार के डेटा देखें, आंकड़े देखें और देखें कि आखिर क्या क्या बताया गया है और हम किन किन चीजों को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप प्लाज्मा थेरेपी से ही अपना इलाज करवाना चाहते हैं तो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों से ही करवाएं। इस कालाबाजारी को हम भी रोक सकते हैं और हम ऐसे रोक सकते हैं कि हम सजग रहेंगे, हम देखेंगे कि हमें कोई ठग तो नहीं रहा है, पैसे इमोशन में इतने ना बह जाए कि आप पैसे बहाते चले और आपको उसका रिजल्ट भी ना मिले। इसीलिए सतर्क रहें, खुद सावधान भी रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। इस रिपोर्ट में इतना ही था। ऐसे वीडियोस की जानकारी के लिए बने रहिए न्यूज़ थिंक के साथ। थैंक यू।